ओके, अभी कार्बन का थर्ड आइसोटोप देखना है हमें। ओके, कार्बन का थर्ड और थर्ड आइसोटोप कौन सा है? ओके, अभी डायमंड के बारे में तो हमें पता है सबको, अभी पता है ना डायमंड के बारे में? क्या क्या पता है डायमंड के बारे में? डायमंड हार्ड होता है। डायमंड के ईच एंड एवरी कार्बन एटम को फोर कार्बन कनेक्ट होते हैं, और ईच कार्बन एटम हैविंग sp3 हाइब्रिडाइज। हर एक यूनिट क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। ओके, और ग्राफाइट में क्या बताया था हमने कि कार्बन का एक कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े होते हैं? तीन। एक कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े होते हैं? तीन ना। ये डबल बॉन्ड है, यस। अभी यहां मैं स्ट्रक्चर निकल रहा हूं दूसरा, तो बताओ ना, अभी ये कार्बन है, इसको कितने कार्बन कनेक्ट है? तीन ना। इधर एक और इधर एक। वैसे डायमंड में कितने थे? डायमंड में चार थे ना। हर एक कार्बन को कितने कार्बन कनेक्ट थे? चार। आपको पता है ना कार्बन की वैलेंसी चार है, तो यह चार सेटिस्फाई हो रही है। एक दो तीन चार, या अभी ये कार्बन की एक दो तीन चार, समझ में आ रहा है? ओके, तो ग्राफाइट में और डायमंड में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है कि ये बैड कंडक्टर है और ये गुड कंडक्टर है। ओके, तो फुलेरिन और ग्राफाइट में और एक बात है, सुन। ऑल आर सिक्स मेंबर्ड, ये जो रिंग होती है ना ग्राफाइट में, सब सिक्स मेंबर्ड रिंग होती है। ऑल आर सिक्स मेंबर्ड रिंग। ओके, फुलेरिन में शुडन कुछ सिक्स मेंबर्ड होती है और फाइव मेंबर्ड होती है, और कभी भी सिक्स मेंबर्ड और सिक्स मेंबर्ड ये रिंग कनेक्ट नहीं होती है। सिक्स मेंबर्ड रिंग को ऑलवेज फाइव मेंबर्ड कनेक्ट रहेगी, क्योंकि या आपको 21 फाइव मेंबर्ड और 12 सिक्स मेंबर्ड, कितने रिंग मिलेंगे आपको फुलेरिन में? बोलो, आपको क्या मिलेगी? 12 रिंग ऐसी मिलेगी कि वो क्या रहेगी, और 21 रिंग कैसे रहेगी? फाइव मेंबर। तो फाइव मेंबर का नंबर ज्यादा है ना, सिक्स मेंबर का नंबर क्या है? कम है। तो जो कम नंबर होता है वो, ये जो सिक्स मेंबर है, ये अभी यहां जो कनेक्ट होने वाला है वो सिक्स मेंबर नहीं रहेगा। यहां कनेक्ट होने वाला कौन नहीं रहेगा? यहां कनेक्ट होने वाला कौन नहीं रहेगा? समझ में आया आपको? सिक्स मेंबर रिंग कैन नॉट कनेक्ट सिक्स मेंबर रिंग, बट ऐसा हो सकता है कि फाइव मेंबर रिंग फाइव मेंबर को कनेक्ट है, ऐसा हो सकता है। कैसा? क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि फाइव मेंबर की रिंग ज्यादा है। बट आपको ये मिलेगा स्टूडेंट कि ये जो कार्बन है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, आपको ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज। सब कार्बन कौन से हाइब्रिडाइजेशन के मिलेंगे? और आपको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये सब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या रहेगा शोन? अल्टरनेट। मतलब इसका मतलब है यहां भी डीलोकलाइजेशन फिक्स है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन रहेगा। क्यों रहेगा डीलोकलाइजेशन? इलेक्ट्रॉन हिलेंगे घूमेंगे फिरेंगे तो क्या कंडक्ट करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो फुलेरिंग क्या है?
कंडक्टर, कौन सा वाला कंडक्टर? बस का कंडक्टर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर? इलेक्ट्रिसिटी का। तो फुलेरिन इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, दूसरी बात ये छोड़न कि इसमें फुलेरिन में कार्बन का नंबर फिक्स होता है, कितना होता है? 60। ओके, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना छोड़न, ये पूरा स्ट्रक्चर जैसे फुटबॉल का बॉल होता है ना छोड़न, वैसा स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर जैसा होता है, गोल, बड़ा वाला गोल। ओके, वैसा स्ट्रक्चर होता है किसका? फुलेरिन का। और उसके अंदर कितने कार्बन होते हैं? 16 कार्बन होते। ओके, तो ये कार्बन का नंबर वेरी भी हो सकता है अलग अलग, 60। ओके, तो ये नंबर अलग अलग भी हो सकता है अलग अलग स्ट्रक्चर में। ओके, तो मैं अभी आपको और एक बात बताता हूं, यदि इस फुलेरिन की, किसकी? फुलेरिन की किसके साथ रिएक्शन करूं? पोटेशियम के साथ रिएक्शन। किसके साथ रिएक्शन हो जाए? पोटेशियम। तो उसके बाद आपको मिलेगा K35 कार्बन 60, ये कंपाउंड मिलेगा। क्या कंपाउंड मिलेगा? ये पोटेशियम किसके अंदर डाला है मैंने अभी? फुलेरिन के अंदर डाला है। तो ये दोनों की रिएक्शन होने के बाद आपको ये कंपाउंड मिल रहा है। तो ये कंपाउंड जो है, इस कंपाउंड का नेचर रहेगा सुपर कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर रहेगा? मतलब सुपर कंडक्टर मतलब कैसा? जैसे होता है ना बस का कंडक्टर, धीरे धीरे चलता है, और जैसे होता है ना एरोप्लेन का कंडक्टर। ओके, जल्दी घूमता है ना, अरे यस और नो, वैसे एरोप्लेन का जो कंडक्टर है ना, उस टाइप का कंडक्टर, उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। समझ में आया ना? टू व्हीलर का भी कंडक्टर होता है। वो बहुत धीरे चलता है, साइकिल का पीछे वाला। अक्षय जी, फिर आपका ड्राइवर कौन है? नहीं, मुझे लगा कि कोई लेडी ड्राइवर है। ओके, चलो, तो समझ में आया आपको? तो लिखो ये, और ये रिएक्शन करनी है आपको 18 केल्विन को। ये रिएक्शन का कौन से वाले टेम्परेचर को करनी है? 18 केल्विन को। ग्राफाइट का रिएक्शन फुलेरिन के साथ करनी है, उसके बाद आपको मिलता है सुपर कंडक्टर। ओके, चलो हो गया। उसके बाद आपको बताता हूं, ये जो कार्बन 16 है, कौन है? कार्बन 16, इसकी रिएक्शन करनी है आपको किसके साथ? ट्रांजिशन मेटल। मतलब कौन से ब्लॉक के? डी ब्लॉक के मेटल। किसके साथ रिएक्शन करनी है? तो आपको मिलेगा क्या? अलॉय। क्या मिलेंगे आपको? अलॉय। अलॉय मतलब क्या? मेटल के अंदर कुछ कार्बन का कुछ इंप्यूरिटी डालने के बाद जो भी कंपाउंड मिलता है उसे बोलते हैं क्या छोड़न? अलॉय। तो ये आपको अलॉय मिल रहा है, और ये जो अलॉय छोड़न बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ का, ये जो अलॉय इसकी स्ट्रेंथ कैसी रहेगी? बहुत ज्यादा। मतलब अभी देखो, ये स्टील है, हम जो लॉक यूज करते हैं, कौन से लॉक यूज करते हैं? स्टील के। हम जो एफई वाले लॉक है पुराने टाइम करते थे यूज, एफई यूज द प्योर मेटल, एफई यूज द प्योर मेटल ना। अभी एफई के अंदर क्या डाल रहे हैं आप? कॉपर, जिंक, कार्बन डाल रहे हैं, क्या बन रहा है? स्टील बन रहा है। तो स्टील के जो लॉक होते हैं उसमें स्ट्रेंथ कैसी होती है? बहुत ज्यादा होती है। अभी देखो ना, ये स्टील का है, अभी इसके पत्थर मारो, उसको कुछ होने वाला नहीं है, बट ये जो लोहे करेगा तो टूट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अरे समझ में आ रहा है। तो लोहे से ज्यादा स्ट्रेंथ किसको है?
स्टील, स्टील में क्या होता है सबसे ज्यादा? लोहा ही होता है सबसे ज्यादा, क्या होता है? ओके चलो, तो ये ज्यादा स्ट्रेंथ के कंपाउंड बनाता है। हाँ, और ये जो सुन, ये जो कंपाउंड है ये एज अ कैटलिस्ट भी यूज हो जाते हैं। ये जो कंपाउंड है क्या क्या करके यूज करते हैं? एज अ कैटलिस्ट। ओके, उसके बाद आपको बताता हूं, यदि कार्बन ग्राफाइड और कार्बन फुलेरिन, कार्बन ग्राफाइड और कार्बन फुलेरिन इन दोनों की रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलती है नैनो ट्यूब। क्या मिलता है? नैनो ट्यूब करके कंपाउंड मिलता है। ओके, और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, सेंसर में भी यूज होता है। सेंसर वगैरह होते ना, सेंसर पता है ना आपको, तो सेंसर में नैनो ट्यूब यूज होती है। ओके, कंडक्टर जो जो कंडक्टर मटेरियल है उसमें भी ये यूज होती है। ओके, तो अभी अगला पार्ट चालू करेंगे हम। अभी पार्ट खत्म हो गया, कौन सा पार्ट खत्म हो गया अभी? अभी बताओ चार टाइप कौन कौन से है? मॉलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। अभी कॉलन सॉलिड कैसे पता करेंगे आप? मैं आपको दे दूंगा S4, तो ये कंपाउंड कौन सा रहेगा? S4 कंपाउंड कौन सा रहेगा? S8। S8 कंपाउंड कौन सा रहेगा? P4 कंपाउंड कौन सा रहेगा? N2 कंपाउंड कौन सा रहेगा? कहां कॉलन मिल रहा है आपको? या तो खत्म हो रहा है, कहां नेटवर्क मिल रहा है आपको? अरे समझ में आ रहा है क्या? आपको मॉलिकुलर सॉलिड कब बताना है? जब उसके कॉलन बॉन्ड लिमिटेड रहेंगे ना। या आपको दो ही एटम दिख रहे हैं, या आपको कितने एटम दिख रहे हैं? कौन बोल रहा है एक दिख रहे हैं? अरे ये ग्राफाइट का स्ट्रक्चर है ना यार, ये हर एक कार्बन को नहीं मेंशन करेंगे ना हम। इसका मतलब सी, मतलब बहुत सारे सी सी से कनेक्ट है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये कौन सा सॉलिड है? ये कौन सा सॉलिड है? कॉलन सॉलिड है। पी 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 को कनेक्ट है। अभी देखो ये पी ने कितने बॉन्ड बनाए? तीन। ये पी ने कितने बॉन्ड बनाए? तीन। वैलेंसी होती है ना पी की, ये क्रॉस हो रहा है, ये बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड नहीं है स्टूडन, ये क्या है? ए सुन, पीछे वाले स्टूडन आ गया हो, पीछे वाले आ गया हो सब, लास्ट रो आ गया आप। आगे मतलब फर्स्ट बेंच। ओके, समझ में आया स्टूडन? अरे समझ में आया? ये सेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टूडन? एसेट, एसेट क्या है? कॉलन सॉलिड। कैसे? एस 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 एस। तो अभी कितने एस बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया? अरे समझ में आया? तो सल्फर, सल्फर के साथ ही बॉन्ड बना रहा है और मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है। देखो सल्फर सल्फर के साथ, सल्फर सल्फर के साथ, सल्फर सल्फर के साथ, सल्फर सल्फर के साथ, मतलब कौन सा सॉलिड आएगा? अरे कौन सा सॉलिड आएगा? कॉलन। समझ में आया? पक्का समझ में आया? अभी कौन सा भी एग्जांपल दे दूंगा तो आपको समझ में आया ये सॉलिड, ये कौन सा सॉलिड है और कौन सा नहीं, अभी देखो पता चलेगा अभी मुझे। अभी बताओ
Al2SO4 टेकन थ्राइस, ये कंपाउंड कौन से कैटेगरी का सॉलिड है? आयनिक सॉलिड का. ओके अभी O3 कंपाउंड कौन से कैटेगरी का सॉलिड है? कौन सा सॉलिड है? अरे O3 ऑक्सीजन ओजोन मॉलिक्यूल होता है ना रे, ओजोन मॉलिक्यूल होता है ना. हाँ तो अभी बताओ कि ये कौन से टाइप का सॉलिड है? ओके अभी ये कौन से टाइप का सॉलिड है? समझ में आया? ये कौन से टाइप का सॉलिड है? मॉलिकुलर सॉलिड में कौन से टाइप का है? ये मॉलिकुलर सॉलिड में कौन सा है? ये मॉलिकुलर सॉलिड में कौन सा है? अरे ये कौन सा है? अरे इसमें पोलर का कोई चांस ही नहीं ना रे, सब एटम तो सेम ही दिख रहे हैं ना, तो सब एटम सेम दिख रहे हैं, इसका मतलब नॉन पोलर ही होगा ना. ओके तो आपको सब समझ में आएगा? ओके ये मैं खाली एस लिखूंगा तो आपको, मैं खाली एस लिखूंगा अभी. यस मेटल है क्या? अरे नॉन मेटल है ना रे. यस मतलब एसेट आ रहे है, यस मतलब बहुत सारे एस, यस मतलब क्या? बहुत सारे एस. इसका मतलब एस एस से कैसे कनेक्ट रहेगा? कॉलन बॉन्ड से. तो ये कौन सा सॉलिड हो जाएगा? कॉलन सॉलिड ना रे. ओके आपको कॉलन सॉलिड कैसे आइडेंटिफाई करना है? यदि खाली नॉन मेटल लिखा है, खाली कौन लिखा है? नॉन मेटल. तो आपको क्या उसको बोलना है? कॉलन. तो यह भी नॉन मेटल है, यह भी नॉन मेटल है, खाली यह भी नॉन मेटल है. यह आपको जो नॉन मेटल दिया है इसमें एस का नंबर बहुत ज्यादा है, और एस एस से क्या कनेक्ट होता है? कॉलन बॉन्ड से कनेक्ट होता है, और यह लिमिटेड कॉलन बॉन्ड है. यह क्या है? लिमिटेड कॉलन बॉन्ड है. लिमिटेड कॉलन बॉन्ड रहेंगे तो वो मॉलिक्यूल बोलते हैं उसको. समझ में आया? ओके चलो यदि खाली मेटल लिखा है तो उसमें क्या बोलेंगे आप? मेटेलिक सॉलिड. मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है स्टूडेंट? शेयरिंग फोर्स. बाय अप्लाइंग द शेयरिंग फोर्स. अरे बोलो ना. बाय अप्लाइंग शेयरिंग फोर्स ऑन मेटेलिक सॉलिड डू नॉट फ्रैक्चर के पहले उसमें स्लाइडिंग लेयर होते रहे, स्लाइडिंग लेयर्स. आप स्टडी करके नहीं आए बच्चे लोग, पहले आप स्टडी करो और फिर से बाद में टॉपिक लेंगे हम. आप पढ़ के नहीं आए कोई? अरे क्या देख रहे, पढ़ो ना. ड्यू टू द स्लाइडिंग लेयर्स मेटेलिक सॉलिड आर कैन नॉट. तो लेयर क्या होते हैं? बाय अप्लाइंग शेयरिंग फोर्स स्लाइड होते हैं. ओके और ग्राफाइट जो होता है स्टूडेंट, ग्राफाइट, ग्राफाइट में भी क्या होते हैं स्टूडेंट? लेयर्स होते हैं, और दो लेयर्स के बीच का जो फोर्स होता है उनको क्या बोलते हैं? वैन डर वाल फोर्स. और उसमें ऐसा कभी नहीं होता है दो लेयर के बीच, अभी इधर एक लेयर है और इधर एक लेयर है, ये इलेक्ट्रॉन इधर वाले लेयर में कभी नहीं आएंगे. क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये लेयर और ये लेयर कॉलन बॉन्ड से कनेक्ट नहीं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है? जहाँ कॉलन बॉन्ड है. ये लेयर और ये लेयर में कॉलन बॉन्ड है क्या? तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे क्या? ये इलेक्ट्रॉन खाली ये लेयर में घूमेंगे, ये इलेक्ट्रॉन खाली ये लेयर में घूमेंगे, ये इलेक्ट्रॉन खाली ये लेयर में घूमेंगे. समझ में आया? अरे समझ में आया क्या आया? ये इलेक्ट्रॉन इस वाले लेयर में नहीं जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन भी इस वाले लेयर में नहीं. क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के लिए क्या किसकी जरूरत होती है? बॉन्ड की जरूरत होती है. अरे ये इलेक्ट्रॉन क्यों घूम रहे? अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो यह आपका बॉन्ड ही नहीं, तो क्वेश्चन ही नहीं आपका कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे. समझ में आ रहे? अरे समझ में आ रहा है? उधर मेंशन करो.
कि ग्राफाइट में इलेक्ट्रॉन वन लेयर टू अनदर लेयर कैन नॉट ट्रांसफर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ बॉन्ड। एक लेयर दूसरे एक लेयर में से दूसरे लेयर में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, बट वो इलेक्ट्रॉन थ्रू आउट द लेयर क्या होंगे, थ्रू आउट द लेयर वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, घूमेंगे। क्यों घूमेंगे, क्योंकि थ्रू आउट द लेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या है, अल्टरनेट है। समझ में आया? ओके। चलो अभी उसके बाद हम देखने वाले स्टूडेंट यूनिट सेल, फुलर रिंग के स्ट्रक्चर में वॉइड्स मतलब कैसे रहे वॉइड्स, अभी या तो सब कार्बन है ना, या तो सब कार्बन है ना, अभी मुझे बताओ ना, अभी ये सब कार्बन है, अरे ये सब कार्बन है, अरे सर नो, या वॉइड्स का कोई सवाल है? हाँ हाँ ठीक है, वो मैंने ड्रॉ किए खाली, अभी आपको तो थेरोटिकल बताया ना मैंने, थेरोटिकल तो बताया ना, समझ में ना, या वॉइड्स का कोई क्या सवाल है अभी, अभी या तो सब कार्बन है ना, ये पीछे से या कनेक्ट हो गए बॉल है ना, अरे समझ में आ रहा है, फुटबॉल देखा है आपने, फुटबॉल के ऊपर जो हेक्सागन्स होते हैं वैसे हेक्सागन्स पेंटागन्स हेक्सागन पेंटागन्स फुटबॉल में होते हैं ना, पेंटागन हेक्सागन पेंटागन हेक्सागन ऐसे दिखते हैं ना, वैसा स्ट्रक्चर, समझ में आया? हाँ उसके अंदर बोल रहे क्या, उसके अंदर भी कार्बन 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 से कनेक्ट रहेगा, अंदर भी नेटवर्क रहेगा ना कार्बन का, ओके खाली ऊपर से नहीं रहेगा अंदर भी रहेगा, ओके चलो नाम डालो यूनिट सेल, नाम डालो सुनान यूनिट सेल, यूनिट सेल, ओके अभी देखो समझो यूनिट सेल क्या होता है, अभी यूनिट सेल मतलब क्या होता है, अभी सपोज समझो कि एक क्रिस्टल है, एक क्या है सुनान क्रिस्टल है, ओके क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में हम क्या देख रहे हैं, मतलब अभी ये सॉलिड है, पूरा का पूरा क्या है सॉलिड है, इसमें हम ऐसा एक एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं थ्री डायमेंशनल, ऐसा क्या एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं थ्री डायमेंशनल, मतलब मैं अभी देखो ये सॉलिड है, मैं इधर एक सेंटीमीटर इधर एक सेंटीमीटर और ऊपर एक सेंटीमीटर जा रहा हूं, अरे समझ में आ रहा है, ये पूरा क्या है, ये पूरा सॉलिड है, इस सॉलिड में मैं यहां से यहां एक सेंटीमीटर जा रहा हूं, यहां से यहां एक सेंटीमीटर जा रहा हूं और यहां से यहां एक सेंटीमीटर जा रहा हूं, तो क्या बनेगा, 3D बनेगा ना स्ट्रक्चर, क्यूब बनेगा ना, अरे ये क्यूब बन रहा है देखो ना, मैं यहां भी जा रहा हूं मैं यहां भी जा रहा हूं मैं यहां भी जा रहा हूं, तो ये क्यूब बन रहा है ना, अरे समझ में आ रहा है क्या, अरे समझ में आ रहा है क्या, तो अभी देखो या मैं इधर जा रहा हूं, मैं इधर जा रहा हूं और मैं पीछे जा रहा हूं या आगे जा रहा हूं, आगे आ रहा हूं मैं, अभी देखो एक एक्सिस है, एक एक्सिस है और एक एक्सिस है, अरे समझ में आ रहा है क्या, तो आपको इस क्रिस्टल के अंदर एक ऐसा 3D स्ट्रक्चर इमेजिंग करना है, मतलब अभी सपोज समझो यह बहुत बड़ा क्रिस्टल है, यह बहुत बड़ा क्या है क्रिस्टल है, मैं उस क्रिस्टल में या एक सेंटीमीटर ऊपर एक सेंटीमीटर और एक्स एक्सिस पे एक सेंटीमीटर वाई एक्सिस पे एक सेंटीमीटर और जेड एक्सिस पे एक सेंटीमीटर, तो क्या बनेगा, एक क्यूब बनेगा, क्या बनेगा, क्यूब बनेगा, समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है समझ में, आ रहा है नहीं आ रहा है, ओके तो इस क्यूब का आपको क्या देखना है, आपका इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है और इसकी लेंथ कितनी है?
मैंने अभी एक सेंटीमीटर इसको लिया है, एक सेंटीमीटर इसको लिया है, एक सेंटीमीटर इसको लिया है, बट आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी 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 लेंथ अलग अलग ले सकते, सेम भी ले सकते। आ रहे समझ में आ रहा है? आपने एक सेंटीमीटर लिया, ये भी एक सेंटीमीटर लिया और ये भी एक सेंटीमीटर लिया, मतलब आपका कंप्लीट क्या बनेगा? क्यूब बनेगा। क्या बनेगा? आप ऐसे भी ले सकते हैं, इधर एक सेंटीमीटर, इधर दो सेंटीमीटर, इधर दो सेंटीमीटर। आप ऐसे भी ले सकते हैं, इधर एक सेंटीमीटर, इधर दो सेंटीमीटर, इधर तीस सेंटीमीटर। समझ में आया? अरे समझ में आया? और उसके बाद आप क्या देख रहे हैं मालूम है सुन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसके बीच का एंगल कितना है? नहीं अभी बोल रहा हूं, इधर तो 90 है, इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, और इसके बीच का एंगल कितना है? पेन देखो, अभी पेन दे दो मुझे। आपने तीन एक्सिस को लिया है, आपने तीन एक्सिस सिलेक्ट किए, अरे सिलेक्ट किए नहीं किए, हाँ तो आपका क्या बन रहा है? क्यूब बन रहा है। अरे बन रहा है ना, अभी इधर भी ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, तो फिर ऐसा भी रहेगा ना, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, तो ये पूरा क्या बनेगा? क्यूब बनेगा। क्या बनेगा? क्यूब बनेगा। यह सब क्या था? ये यह सब क्या है? एक सॉलिड है, एक क्या है? क्रिस्टल है, सॉलिड। तो उसके अंदर मैं इतना एरिया ले रहा हूं इधर वाले एक्सिस में, इतना वाला एरिया ले रहा हूं इधर वाले एक्सिस में, और इतना वाला एरिया ले रहा हूं इधर वाले एक्सिस में। तो आप इसको यहां और इसको यहां कनेक्ट करें, इसको यहां कनेक्ट करें, इसको और इसको कनेक्ट करिए, तो पूरा क्या बन जाएगा सोने? क्यूब बन जाएगा। अरे समझ में आया? ये क्यूब कहां बन रहा है? क्रिस्टल के अंदर बन रहा है। और ये इमेजिनरी लाइन है, आपको इमेजिन करना है, आपको क्या करना है? तो आप उसमें क्या देख रहे हैं? 3D स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जहां आप एक्स एंड वाई एंड जेड एक्सिस देख रहे, तो उधर का स्टडी क्या हो जाएगा? वो 3D स्टडी हो जाएगा। बट हमारा बोर्ड क्या है? 2D है, तो हम 2D पे कौन से डायग्राम ड्रॉ करेंगे अभी यहाँ से आगे? 3D। तो आपको समझना है कि 3D डायग्राम 2D में कैसे ड्रॉ की जाती है। समझ में आ रहा है? टॉपिक कंप्लीटली 3D है, आपको इमेजिनेशन जितना ज्यादा उतना टॉपिक के कमांड ज्यादा। समझ में आया? मैं अभी तो आपको समझा, पूरा का पूरा 3D समझा दूंगा, उसका कोई इशू नहीं। मैं यहां ड्रॉ करने से पहले आपको यहां समझ ड्रॉ करूंगा, ये लाइन ऐसे आपको कैसे इमेजिन करनी। समझ में आ रहा है छोड़ा? अरे आ रहा है समझ में? ओके, तो अभी देखो यूनिट सेल मतलब क्या, और यूनिट सेल को आपको लैटाइस कब बोलना है? यूनिट सेल को आपको क्या बोलना है? लैटाइस बोलना है। यूनिट सेल को लैटाइस कब बोलना है? मतलब एक एक आपको यूनिट सेल दिख रहा है क्या? अरे एक क्यूब दिख रहा है क्या? इस क्यूब को बोलना है आपको यूनिट सेल। क्या बोलना है? अरे समझ में आ रहा है? अभी देखो ये यूनिट सेल कैसे ड्रॉ करना है, पहले तो बात, ये यूनिट सेल कैसे ड्रॉ करना है मुझे बताओ। सॉलिड मतलब क्या होता है? ऐसे स्पेयर होते हैं, अरे स्पेयर होते हैं क्या ऐसे? हाँ, तो ये 1D के स्पेयर, और या अरे बोलो 2D, और 3D क्या होगा? वो स्पेयर। समझ में आ रहा है? ये देखो इधर स्पेयर, इधर स्पेयर, और समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? अभी देखो ये पीछे वाला स्पेयर, ये पीछे वाला स्पेयर, ये पीछे वाला स्पेयर, ये पीछे वाला स्पेयर, अरे यस और नो? और इसके ऊपर स्पेयर है, अभी इसके ऊपर भी स्पेयर है ना, तो इधर जाना है तो इसके ऊपर स्पेयर डालना पड़ेगा ना, तो इधर का स्पेयर, अरे समझ, या पीछे वाला स्पेयर, आप पीछे वाला स्पेयर कंसिडर करो। ओके, तो मुझे बताओ ना सुन, अभी सपोज ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका क्या है? न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस टू ये न्यूक्लियस मैं कनेक्ट कर रहा हूं,
अरे समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है, ओके। तो अभी इसके पीछे एक्सपायर है, इसके पीछे एक्सपायर है, इसके पीछे भी एक्सपायर है, इसके पीछे भी एक्सपायर है, इसके पीछे भी एक्सपायर है, हाँ। तो ये आगे वाला पॉइंट है, ये पीछे वाले पॉइंट से कनेक्ट होगा ना। अभी देखो ये आगे वाला पॉइंट है, ये आगे वाला पॉइंट है, आगे वाला पॉइंट, आगे वाला पॉइंट, आगे वाला पॉइंट, आगे वाला पॉइंट, समझ में आया। ये देखो यह एक्सपायर था, यह एक्सपायर था, यह एक्सपायर था, यह एक्सपायर था, और यह आगे वाले स्पेयर एक आपस में कनेक्ट हुए। बट ये आगे वाले पेयर के पीछे कौन है? पीछे वाला स्पेयर। तो पीछे वाला स्पेयर आपको ऐसा दिखाना, इधर ऐसा, ये पीछे वाला स्पेयर, ये भी पीछे वाला स्पेयर, ओके। और पीछे वाला स्पेयर और पीछे वाला स्पेयर कनेक्ट रहेगा, हाँ। तो अभी देख, ये इसके पीछे एक पीछे वाला स्पेयर है, अरे यस और नो? तो ये पीछे वाला कनेक्ट रहेगा, हाँ। इसके पीछे एक पीछे वाला स्पेयर है, यस और नो? तो अभी देखो ना, ये पीछे वाला, ये पीछे वाला कनेक्ट, ये पीछे वाला, ये पीछे वाला कनेक्ट। तो आपको एक स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है? ये देखो ना, ये आगे वाला स्पेयर था, ये भी आगे वाला था, ये भी आगे वाला था, ये भी आगे वाला था, और ये स्पेयर किसके थे? पीछे वाले थे। समझ में आ रहा है छोड़न? अरे समझ में आ रहा है क्या? तो फिर ये स्ट्रक्चर मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं अभी। यस, बट मैं ये हर टाइम ये स्पेयर ड्रॉ करूंगा नहीं, मैं खाली ये पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूं अभी, न्यूक्लियस ड्रॉ कर रहा हूं। मैं ये पार्ट हटा दूंगा अभी। अभी इस यूनिट सेल के अंदर वो न्यूक्लियस का इतना पार्ट आ रहा है, तो ये पार्ट वो मॉलिक्यूल का कहां जा रहा है? दूसरे वाले, या दूसरा वाला यूनिट सेल रहेगा ना। समझ में आ रहा है छुड़न? या आपका तीसरा वाला यूनिट सेल रहेगा। अरे समझ में आ रहा है छुड़न? मतलब आपका यूनिट सेल कैसे रहेगा? पहला वाला यूनिट सेल ऐसा, इसके एडजेसेंट यूनिट सेल बोलो, दूसरा, तीसरा यूनिट सेल, यस, इसके नीचे वाला यूनिट सेल, यस, इसके नीचे वाला यूनिट सेल, अरे समझ में आ रहा है क्या? इसके नीचे वाला यूनिट सेल, समझ में आ रहा है? तो ये सब क्रिस्टल है ना, या एक्सपायर है, या एक्सपायर, स्पेयर, स्पेयर, या हर एक पॉइंट पे क्या है स्टूडन? हर एक पॉइंट पे क्या है स्टूडन? तो ये आपको इतना डिस्टेंस दिख रहा है, बट एक्चुअल में वो डिस्टेंस न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस का है। समझ में आया स्टूडन? पक्का समझ में आया? तो हम ये पूरा क्रिस्टल है ना, तो हर पूरा क्रिस्टल में हम क्या देख रहे? थ्री डायमेंशनल देख रहे। पूरा क्रिस्टल में क्या देख रहे? तो ये न्यूक्लियस टू ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस टू ये न्यूक्लियस, ये डिस्टेंस, ये न्यूक्लियस टू ये न्यूक्लियस, ये डिस्टेंस, और ये न्यूक्लियस टू ये न्यूक्लियस, ये डिस्टेंस। मतलब हम क्या देख रहे हैं उस क्रिस्टल की, उस यूनिट सेल की एज देख रहे। क्या देख रहे हैं? एजेस। अरे समझ में आ रहा है? और ये और इसके बीच का क्या एंगल है? नहीं अभी बता रहा हूं मैं, इसको 90 बहुत पसंद है, लेके जाओ इसको। अरे समझ में आ रहा है क्या? Yes, समझ में आ रहा है क्या? Yes। अभी यूनिट सेल किससे बोलना है? यूनिट सेल किससे बोलना है शुडान? यूनिट सेल किससे बोलना है? आप यदि किसी क्रिस्टल के अंदर क्या देख रहे? उसके थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और ये रिपीटिंग है ना,
ये यूनिट सेल ये स्ट्रक्चर बार बार क्या हो रहा है? तो यूनिट सेल मतलब क्या है? एक ऐसा यूनिट को बार बार क्या हो रहा है उसे बोलना यूनिट सेल, उसे बोलना है क्या? बोलो यूनिट सेल मतलब क्या? क्रिस्टल के अंदर एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है को बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, उसे क्या बोलना है आपको? समझ में आया यूनिट सेल मतलब क्या? बोलो एक क्रिस्टल के अंदर एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बार बार क्या हो रहा है? रिपीट, उसे बोलना है आपको? समझ में आया? और लैटाइस किसे बोलना है? लैटाइस किसे बोलना है? यूनिट सेल को ही बोलना है क्या? लैटाइस। पर बट कब बोलेंगे लैटाइस? जब उसके अंदर उस एज का आप डिस्टेंस देख रहे हैं, ये कितना लंबा है, ये कितना लंबा है और ये कितना लंबा है, और ये और इसमें एंगल कितना है, ये और इसमें एंगल कितना है, और ये और इसमें एंगल कितना है, मतलब हम इस यूनिट सेल की क्या कर रहे हैं? मेजरमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं? उसके क्या देख रहे हैं? एंगल और डिस्टेंस देख रहे हैं। तो उस यूनिट सेल को आपको क्या बोलना है? लैटाइस। उस यूनिट सेल को क्या बोलना है आपको? लैटाइस। तो लैटाइस कब बोलेंगे? जब यूनिट सेल की हम क्या कर रहे हैं? मेजरमेंट कर रहे हैं। अरे समझ में आया ना? अभी आप आदमी, बट आप वाले आदमी को हम डॉक्टर कब बोलेंगे? तो डॉक्टर आदमी हो सकता है ना? अरे समझ में आ रहा है ना? तो ये यूनिट सेल कब बोलेंगे इसको? तो जब यूनिट सेल क्या कर रहे हैं हम? मेजरमेंट। तब उस यूनिट सेल को आपको क्या बोलना है? लैटाइस। तो यूनिट सेल को लैटाइस कब बोलना है आपको? समझ में आया? तो हम क्या कर रहे हैं? यूनिट सेल की मेजरमेंट कर रहे हैं। तो यूनिट सेल की मेजरमेंट कर रहे हैं मतलब यहां से आगे मैं क्या बोलूंगा? यूनिट सेल, यहां से आगे मैं क्या बोलूंगा? लैटाइस। समझ में आया? अरे समझ में आया? मैं यूनिट सेल बोल रहा हूं मतलब किसके बारे में बोल रहा हूं? लैटाइस के बारे में। मतलब किसके बारे में बोल रहा हूं? एक क्यूब के बारे में बोल रहा हूं। क्यूब के बारे में बोल रहा हूं मतलब क्या बोल रहा हूं? क्रिस्टल का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर देख रहा हूं। समझ में आया? अरे समझ में आया? यस ओके। तो आपको ये लाइन ऐसे मारनी नहीं है उधर सॉलिड में जाके, हाँ वो इमेजिनरी इमेजिंग करनी है, नहीं तो आप सब चलो सर इसका हम निकालेंगे, चलो इधर एक एक्सिस डालेंगे, ऐसा एक्चुअल में नहीं, वो इमेजिंग करना है। क्या करना है? इमेजिंग करना है ओके। तो आपको ये अंडर द इंस्ट्रूमेंट ये आपको सब मिलेगा, इस और इसमें डिस्टेंस क्या है, इस और इसमें डिस्टेंस क्या है, एंगल क्या है, ये सब आपको मिलेगा। समझ में आया? क्या क्या समझ में आया? अरे बोलो। तो एक ब्रावेस करके एक साइंटिस्ट था, क्या करके एक साइंटिस्ट था ओके ब्रावेस करके एक साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया? ये सब मेजरमेंट किया। उन्होंने क्या किया? ये जो यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल का क्या किया? पूरा मेजरमेंट। तो यूनिट सेल का मेजरमेंट कर दिया तो उसको उसने क्या बोला? लैटाइस। ब्रेवेस करके एक साइंटिस्ट था, उसने क्या कर दिया? किसका मेजरमेंट किया? तो यूनिट सेल का मेजरमेंट के बाद उसको क्या बोलेंगे हम? लैटाइस। समझ में आया? अरे समझ में आया? यूनिट सेल क्या हो रहे? रिपीटिंग यूनिट इज कॉल्ड एज, रिपीटिंग यूनिट इज कॉल्ड एज यूनिट सेल ओके। हाँ रिपीटिंग यूनिट, ये एक रिपीटिंग यूनिट है ना, जो रिपीट हो रहा है उसे यूनिट सेल बोलना है ओके। चलो अभी ब्रावेस ने क्या कर दिया? मेजरमेंट चालू कर दी। क्या चालू कर दी? मेजरमेंट। मॉलिक्यूल का कैसे कैसे अरेंज हो सकते हैं ओके। अभी तो मैंने मॉलिक्यूल इधर ऐसे अरेंज किए, बट मॉलिक्यूल हर टाइम ऐसे अरेंज रहेंगे ऐसा कुछ नहीं ना। अभी आप ऐसे बैठ रहे, तो अभी आप यहां से आगे उसका आपका अरेंजमेंट चेंज हो सकता है ना। अरे चेंज हो सकता है ना। कई लोग अभी देखो खेती में ऐसे पौधे लगाते, ऐसे पौधे लगाते हैं ना खेती में, कई लोग ऐसे लगाते हैं। समझ में आया ना? तो अरेंजमेंट अलग अलग है ना, अरेंजमेंट अलग अलग है ना।
तो अरेंजमेंट अलग अलग रहेगी, तो इसका मतलब है ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी अलग अलग हो सकता है और इनके बीच एंगल भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ये डिस्टेंस, एज एंड एंगल, टोटल 7 मेन टाइप में डिवाइड हुए। कितने मेन टाइप में? तो ये यूनिट सेल कितने टाइप में डिवाइड हो गए शॉन? 7 टाइप में। और ये 7 टाइप सब टाइप में डिवाइड हो गए, टोटल 14। ये 7 टाइप कितने सब टाइप में डिवाइड हो गए? 14 सब टाइप में डिवाइड हो। तो मेन कितने टाइप है शुरान? मतलब आप 7 मेन टाइप है, मतलब उसमें क्या देख रहे? यूनिट सेल देख रहे। ये यूनिट सेल और ये यूनिट सेल अलग ही, ऐसे कितने यूनिट सेल बन गए? 7 टाइप के दुनिया में यूनिट सेल ही। कितने यूनिट सेल है? 7। मतलब अभी या एक अरेंजमेंट है, तो ये ऐसी अरेंजमेंट उस वाले क्लास में नहीं है, वो अलग अरेंजमेंट है। उस क्लास से अरेंजमेंट अलग तीसरे क्लास में, तो ऐसे कितने क्लास में अरेंजमेंट अलग अलग हो गई? 7। बट आठवें क्लास में जो अरेंजमेंट है वो किसी एक क्लास में मिलेगा आपको रिपीटली। तो आपको कितने अरेंजमेंट मिल रहे हैं? आपको टोटल 7 अरेंजमेंट मिल रहे हैं। तो आपको मेन टाइप कितने मिल रहे हैं? और 7 टाइप फिर से डिवाइड हो रहे हैं, तो टोटल कितने मिल रहे हैं आपको? 14। मेन टाइप प्लस सब टाइप मिलके कितना हो रहा है? ओके, अभी देखो, अभी हम ये 7 टाइप का स्टडी करेंगे। किसका स्टडी करेंगे? 7 टाइप का। पहले तो ये बताओ यूनिट सेल क्या है अभी, और स्पेस लैटिस मतलब क्या? अभी ये क्या है शुरन? इसके आगे भी एक यूनिट सेल है, इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल है, उसके पीछे भी एक यूनिट सेल है। मतलब अभी देखो, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, आ रहे समझ में आ रहा है? यह भी एक लाइन है, तो मतलब यह एक पॉइंट मैंने क्यों कर दिया है? क्योंकि यह क्रॉस हुई लाइन, यह लाइन सब क्या हुई है? क्रॉस। तो इसको बोलना है पॉइंट, यूनिट सेल पॉइंट। इसे क्या बोलना है? यूनिट सेल पॉइंट। और इसके आपस बाजू का जो पार्ट है उसे बोलना है स्पेस लैटिस। उसे क्या बोलना है? स्पेस लैटिस। अभी यह पॉइंट कौन सा है? अभी देखो, ये पॉइंट कौन सा है? बीच वाला। और यहाँ का पॉइंट कौन सा है? स्पेस लैटिस। समझ में आया आपको? ये क्या है? स्ट्रिप है। ये क्या है? स्ट्रिप है, इमेजिनरी स्ट्रिप है। जहाँ क्रॉस हो रही है वहाँ क्या है सुन? मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का सेंटर है। जहाँ क्रॉस हो रहा है वहाँ मॉलिक्यूल का क्या रहेगा? सेंटर। समझ में आया सुन? पूरा समझ में आया? अरे पक्का समझ में आया? ओके, तो अभी देखो ये जो लैटिस है उसको हम 7 टाइप में कैसे डिवाइड करेंगे। अभी देखो, पहले तो सिंपल क्यूबिक मैं रब कर देता हूं। अभी अभी देखो सिंपल क्यूबिक, कौन सा क्यूबिक स्टूडेंट? सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है स्टूडेंट? सिंपल क्यूबिक में ये यूनिट सेल ऐसा होता है, अभी मैं यहां स्पेयर ड्रॉ नहीं करूंगा, स्पेयर ड्रॉ करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको पता है। स्पेयर ड्रॉ करूंगा तो क्या हो जाएगा? आपको कुछ ज्यादा समझेगा नहीं। मैं स्पेयर नहीं ड्रॉ करो, अभी इसके आगे मैं स्पेयर ड्रॉ करूंगा तो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, अभी देखो श्रवण, एक यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल है, अरे सर नो, अभी इस यूनिट सेल में या एक स्पेयर है, अरे या एक स्पेयर है, या एक स्पेयर है, तो मुझे बताओ श्रवण, या वाला स्पेयर का कुछ हिस्सा बाहर वाले यूनिट सेल में भी होगा, अरे सर नो, और कुछ हिस्सा किस में होगा? ये वाले यूनिट सेल में, अरे सर नो। ये वाला स्पेयर है, ये ऊपर वाले यूनिट सेल के साथ भी जाएगा, नीचे वाले मतलब इसके ऊपर ये एक यूनिट सेल है, तो ये स्पेयर ऊपर वाले यूनिट सेल में भी जा रहा है, इस ये वाले यूनिट सेल में आ रहा है, इधर वाले यूनिट सेल में भी जा रहा है, और ये ऊपर वाले के एडजेसेंट ऊपर वाला इधर का यूनिट सेल उसमें भी जाएगा,
ये स्पीयर, इसके पीछे सॉरी इसके आगे जो यूनिट सेल रहेगा उसके यहां भी जाएगा, और इसके एडजेसेंट जो पहला ऊपर वाला यूनिट सेल है उसमें भी जाएगा। मतलब ए स्पेयर कहां कहां जा रहा है, समझ में आ रहा है? किस में जा रहा है? चार यूनिट सेल में जा रहा है। अभी देखो, यह मैं स्पेयर रखूंगा, यह स्पेयर रखूंगा, तो ये वाला स्पेयर हमारे यूनिट सेल में भी आएगा। हाँ, हमारे एडजेसेंट एक यूनिट सेल है उसमें भी जाएगा। अरे सर नो, इसके एडजेसेंट एक यूनिट सेल है वहां भी जाएगा। हाँ, इसके मेरा पीछे वाला क्लासरूम है उसके एडजेसेंट एक यूनिट सेल है उसमें भी जाएगा। तो नीचे वाले कितने यूनिट सेल में जा रहा है? चार, एक दो तीन चार, और ऊपर वाले भी चार, तो कितने यूनिट सेल में जा रहा है? मतलब एक स्पेयर कितने यूनिट सेल में जा रहा है? अरे एक ये जो स्पेयर है वो कितने यूनिट सेल में जा रहा है? आठ, नीचे वाले चार और ऊपर वाले चार। अभी देखो ना स्टूडेंट, यह एक यूनिट सेल है, अरे यह एक यूनिट सेल है कि नहीं? हाँ, इसके ऊपर एक यूनिट सेल है, इसके ऊपर एक यूनिट सेल है, तो ये स्पेयर कहाँ कहाँ जा रहे हैं? एक दो, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर दो, और ऊपर का भी। अरे यस और नो, अभी देखो, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, तो एक यूनिट सेल कहाँ जा रहा है? सुन, आठ यूनिट सेल में जा रहा है। तो एक यूनिट सेल में कितना स्पेयर आएगा? एक यूनिट सेल में स्पेयर का पार्ट कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? वन फोर्थ। कैसे? वन बाय एट ना, कितना जाएगा एक यूनिट सेल में? अभी मैं एक स्पेयर को यहां खड़ा कर दूंगा, तो ये कितने यूनिट सेल में जा रहा है? एट, इक्वली जा रहा है, तो एक में कितना आएगा? वन बाय एट। तो यहां एक यूनिट सेल में ये जो स्पेयर रहेगा, ये जो स्पेयर रहेगा, इसका एक में कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? वन बाय एट। कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा? वन बाय एट कंट्रीब्यूशन रहेगा खाली। समझ में आ रहा है? अभी मैं सपोज समझो कि यह एक स्पेयर खड़ा कर दे रहा हूं, अभी यह मैं यह एक स्पेयर खड़ा कर रहा हूं, तो हमारे यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? अरे हाफ इधर आएगा, हाफ उधर जाएगा ना रे। अरे ये एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है। हाँ यस, अभी ये यूनिट सेल का भी एक ये वाला पार्ट है, फेस है, और यह एक यूनिट सेल है। ओके, अभी मैं स्पेयर को यहां रख रहा हूं, अभी रख रहा हूं, तो आधा इस यूनिट सेल में जाएगा और आधा इस यूनिट सेल में जाएगा ना। आ रहे समझ में आया? तो जब फेस पे स्पेयर रहेगा तो कंट्रीब्यूशन हर एक यूनिट सेल में कितना रहेगा? आप, और कॉर्नर पे रहेगा तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? समझ में आया? कॉर्नर मतलब क्या? वन बाय एट कंट्रीब्यूशन। फेस मतलब क्या? वन बाय टू कंट्रीब्यूशन। समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है का? और मैं पूरा का पूरा स्पेयर इस यूनिट सेल के अंदर रख रहा हूं, मतलब ये एक यूनिट सेल है उसके अंदर मैं एक इधर एक स्पेयर रख रहा हूं, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? वन, पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन रहेगा। उसे बोलना है बॉडी सेंटर। उसे क्या बोलना है ईश्वान? बॉडी सेंटर। समझ में आ रहा है ईश्वान? अरे आ रहा है समझ में? क्या क्या आ रहा है ईश्वान? बॉडी सेंटर में बीच में एक स्पेयर होता है, और कॉर्नर में हर एक कॉर्नर पे एक स्पेयर होता है, बट हर एक स्पेयर पूरा का पूरा उस यूनिट से में आता है क्या? नहीं। कितना आ रहा है? समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है स्टूडेंट? क्या समझ में आ रहा है? अभी मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यदि यदि मेरा मैं यहां रख रहा हूं एच पे, हा एच पे, फेस पे नहीं, हा फेस पे नहीं, हा एच पे रख रहा हूं इसको, एच पे, इस पेयर को किस पे रख रहा हूं? एच पे, मतलब अभी ये एज है ना, तो ये एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन देगा?
वन बाय फोर्थ. क्यों क्यों वन बाय फोर्थ? क्योंकि या एक यूनिट सेल है, इसके आगे एक यूनिट सेल है, इसके आगे एक यूनिट सेल है, तो एक स्पेयर कितने यूनिट सेल में जा रहा है? चार. ये वाला एक, इसके वाला आगे, इसका वाला आगे, मतलब एक स्पेयर कितने यूनिट सेल में जा रहा है? चार. तो एक स्पेयर में एक यूनिट सेल कितने, एक यूनिट सेल में कितने स्पेयर आएंगे? वन बाय फोर्थ. अभी देखो सुनो, जब यूनिट सेल के कॉर्नर पे आ रहा है तो वन बाय एट कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर पे आ रहा है तो, फेस पे आ रहा है तो वन बाय, बॉडी पे आ रहा है तो, और कॉर्नर पे आ रहा है सॉरी एज पे आ रहा है तो वन बाय. समझ में आया शुडन? कौन कौन से क्या क्या कंट्रीब्यूशन कहाँ है? आपको ये टॉपिक पूरा इमेजिन करना है, थ्री डी टॉपिक है, पूरा पूरा थ्री डायमेंशनल टॉपिक है, इमेजिन इन ड्राइंग के जैसा टॉपिक है. समझ में आएगा? ओके. अरे उसकी ड्राइंग अच्छी है, सच में अच्छी. चलो अभी एक काम मेरे लिए और भी करो, मेरी को ये अच्छी वाली ड्राइंग. ओके. चलो आ रहे, समझ में आ रहा है क्या क्या समझ में आ रहा है? अभी एक बात समझो, मैं अभी यहां से आगे खाली यूनिट सेल ड्रॉ कर रहा हूँ. समझ में आ रहा है ना? मैं बार बार ड्रॉ कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ. ओके. इसका मतलब है ना कि मैं पागल हूं. ओके. हाँ चलो अभी देखो, ये एक यूनिट सेल है, एक क्या है? अरे बोलो, एक यूनिट सेल है. और इसके खाली अभी कॉर्नर पे स्पेयर है, खाली कहां पे स्पेयर है? कॉर्नर पे स्पेयर है. तो इस वाले यूनिट सेल में टोटल कितने स्पेयर कंट्रीब्यूट हो गए? एट. मेरा क्वेश्चन फिर से सुनो, ये एक यूनिट सेल है या खाली कॉर्नर पे स्पेयर है? खाली किस पे स्पेयर है? तो आपको पता है ना, कॉर्नर पे एक स्पेयर है, तो एक स्पेयर का खाली उस यूनिट सेल में वन बाय एट पार्ट पार्टिसिपेट होता है. तो या भी वन बाय एट, या भी वन बाय एट. तो आपने वन बाय एट कितने? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ. तो वन बाय एट इंटू एट इज इक्वल टू वन स्पेयर कंट्रीब्यूशन. अरे समझ में आ रहा है क्या? तो एक स्पेयर से क्या बन रहा है? एक यूनिट सेल बन रहा है. अभी एक स्पेयर मतलब क्या है शुडन? पूरा का पूरा भरा हुआ है. अरे पूरा का पूरा भरा हुआ है कि नहीं? तो इसका मतलब इसके अंदर वॉइड्स कितने हैं? जीरो. बट ये स्पेयर आपको ऐसे डायरेक्टली मिल रहा है क्या? नहीं. आपको कैसे मिल रहा है? या थोड़ा या थोड़ा या थोड़ा या थोड़ा या थोड़ा या थोड़ा या थोड़ा. तो आपको बीच में क्या मिलेगा? वॉइड्स मिलेगा. बीच में क्या मिलेगा? जब एक स्पेयर आपको इसमें मिल रहा है तो उसमें आपको वॉइड्स बहुत ज्यादा मिलेंगे. बट एक स्पेयर ऐसा का ऐसा मिल रहा है तो इसके बीच वॉइड्स कितने मिलेंगे? जीरो वॉइड्स. तो परसेंटेज ऑफ वॉइड्स क्या रहेंगे? जीरो. तो आपको यूनिट सेल में परसेंटेज वॉइड्स के क्या रहेंगे? नॉन जीरो. अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या? बोलो क्या समझ में आ रहा है? मुझे एक बात बताओ, इसमें कितने स्पेयर आ रहे हैं अभी? बट एक स्पेयर ऐसा आ रहा है क्या? ऐसा का ऐसा आ रहा है क्या? वो स्पेयर कैसा आ रहा है? या थोड़ा या थोड़ा या थोड़ा या थोड़ा या थोड़ा. समझ में आ रहा है? तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है और दूरी पे आ रहा है, डिस्टेंस पे आ रहा है ना. तो उसके बीच क्या बनेगा? वर्ड्स. तो एक यूनिट सेल के बीच में आपको क्या मिलेंगे? डिफरेंट टाइप के वर्ड्स मिलेंगे. क्या मिलेंगे? डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स मिलेंगे.
तो अभी आप इसका क्या निकल सकते हैं स्टूडेंट, वॉल्यूम निकल सकते हैं ना, क्योंकि आपको इस ए एरिया निकालना है, ये एज निकालना है, ए एज निकालना है, ए एज निकालना है, तो वॉल्यूम का क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए इंटू ए इंटू ए। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो आपको यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, बोलो बोलो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए इंटू ए इंटू ए इज इक्वल टू ए क्यूब। समझ में आया स्टूडेंट, किसका वॉल्यूम है? और स्पेयर का वॉल्यूम आपको पता है ना, 4/3 πr। अरे समझ में आ रहा है? अरे समझ में आया है? किसका वॉल्यूम ज्यादा है, स्पेयर का वॉल्यूम ज्यादा है या क्यूब का वॉल्यूम ज्यादा है? अरे बड़ा कौन है, क्यूब बड़ा है ना रे। अरे सिंपल है ना, या थोड़ा आपका स्पेयर जा रहा है, या जा रहा है, या जा रहा है, या जा रहा है, या जा रहा है, तो डेफिनेटली किसका वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, डेफिनेटली किसका वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, किससे ज्यादा रहेगा, क्यों ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो थोड़े थोड़े स्पेयर के पार्ट से बना हुआ यूनिट सेल, तो किसका यूनिट किसका वॉल्यूम ज्यादा है, किसका वॉल्यूम बहुत कम है? समझ में आया? अरे समझ में आया, पक्का समझ में आया? तो अभी देखना है हमें, क्या टाइम क्या हुआ अभी बताओ। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया?